ये मेरे सामने दो सब्सटेंसेस पड़े हुए हैं, नेमली सॉल्ट एंड वाटर। बट व्हाट इफ दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ फॉर मी? क्या होगा अगर मैं जानना चाहूंगी कि इन दोनों सब्सटेंसेस में एग्जैक्टली कौन कौन से एलिमेंट्स किस किस मिकदार में शामिल हैं? उसके लिए मैं रिफर करूंगी इनके केमिकल फॉर्मूले से। सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, यानी इसमें एक सोडियम और एक क्लोराइड आयन शामिल है। जबकि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। उससे मुझे पता चलता है कि इसके अंदर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम शामिल है। हम केमिकल फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं? ताकि हम सिंबॉलिकली किसी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स को एक्सप्रेस कर सकें। इससे हमें पता चलता है कि उस कंपाउंड या सब्सटेंस के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट किस किस मिकदार में मौजूद है। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड के केमिकल फॉर्मूला H2SO4 को देख के हम बता सकते हैं कि इसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स, एक सल्फर एटम और चार ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं। Now the thing is, CH3Cl, C6H12O6 and H2O are our molecular formulae. Molecular formula हमें ये बताता है कि element किस किस मिकदार में वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो हमें ये नहीं बताता कि इन elements की आपस में क्या ratio होती है। और ये जानना हमारे लिए उस compound को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से फिर हम calculate करते हैं empirical formula. An empirical formula is the simplest formula that gives the small whole number ratio between the atoms of different elements present in a compound. अगर आपके पास किसी substance का molecular formula मौजूद हो, तो आप easily उसके empirical formula में जा सकते हो ratio को देखते हुए. For example, अगर आपके पास C6H6 है, जो कि benzene का molecular formula है, आप इसकी ratio evaluate करते हो और देखते हो कि यहाँ पर carbon और hydrogen की ratio 1:1 है, तो आप simply इसको CH लिख सकते हो, जो इसका empirical formula बन जाता है. Similarly, अगर आप H2O को देखें, तो उसमें क्या हो रहा है? Hydrogen के दो atoms हैं, जबकि oxygen का एक atom है. Ratio 2:1 है, जिसकी वजह से H2O का empirical formula भी H2O ही रहेगा. इसके अलावा हम empirical formula को percentage method से भी calculate कर सकते हैं, जो कि आप सीखेंगे अपने आने वाली classes में.